सरकार द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि जनता को हर सुविधा दी जाएगी, पर आपको बता दें कि नूरपुर नगर के नगर परिषद के उप प्रधान यशपाल सोगा व नगरवासियों ने बताया कि पिछले 3 महीनों से लगातार पानी की समस्या आ रही है। उनका कहना है कि इस समस्या से लोगों को जल्दी निजात दिलाई जाए। सरकार द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि जनता को हर सुविधा दी जाएगी, पर दरअसल पर सब वायदे खोखले सिद्ध होते हैं। जब चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल लुभावने वायदे जनता के साथ करते हैं और जीत जाने के बाद जनता से सिर्फ दूरियां ही रहती हैं। तब जनता यही सोचती है कि हमारा नेता आएगा और हमारी समस्या सुनेगा, पर हर बार की तरह धरातल पर कुछ और ही होता है। जनता के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। नूरपुर में पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। क्या कारण है कि नूरपुर में पानी की किल्लत है? प्रशासन क्यों नहीं नगरवासियों को पानी की समस्या से निजात दिला पा रहा है? कब होगा लोगों की समस्या का हल? नूरपुर नगर के नगर परिषद के उप प्रधान यशपाल सोगा व नगरवासियों ने बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार समस्या आ रही है कि एक दिन पानी आता है और 2 दिन पानी नहीं आता है। आज लगातार 3 दिन हो गए हैं पानी नहीं आया। नूरपुर के जेई से बात की तो उन्होंने कहा कि लाइनें टूटी हुई हैं। यशपाल सोगा ने कहा कि लाइनें ठीक करवाना जनता का काम नहीं है, ये विभाग का काम है। उन्होंने कहा कि विभाग इस मामले में कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोगों को इकट्ठा कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब इस समस्या के बारे में ऐसी बात है कि 3 महीने से लगातार जेई पोजीशन चली हुई है, एक दिन पानी आता है और 2 दिन बंद रहता है। आज 3 दिन हो गए पानी आए हुए। मैंने विकास जी को फोन कल भी किया और आज भी किया। वो कहते हैं कि लाइनें टूटी हुई हैं, लाइनें ठीक करना पदों का काम नहीं है, ये इनका महकमे का काम है। और महकमा इस बारे में बिल्कुल सोया हुआ है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं शहर में जिनके लिए नलके खुले हैं और ना बिल देते हैं तो ना ही को काम करते हैं। उनका पानी बंद करके बाकी पार्टी जो बिल देती है उनको पानी देना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो कल को आदमी 200-400 लेकर जुलूस निकाला जाएगा। पहले MLA साहब इधर आए थे, है ना, हमने उनको उन्होंने बोला कि अपनी डिफिकल्टी बताओ। हमने एक सफाई की बताई, दूसरा पानी की बताई कि हमारे घरों में ना ऊंचाई में आते हैं ना टैंक का पानी आता है, ना नलकों का पानी आता है, ना कोई मेन पाइप है हमारी गली में, है ना। तो जो मतलब एक दिन आता है 3-4 दिन नागे पड़ जाते हैं, पानी आता नहीं है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, ड्यूटी पर जाना होता है, किसी ने कहा स्कूल में जाना होता है, तो बड़ी मुश्किल होती है इसमें। कपड़े कल धोने थे, आज संडे था, पानी नहीं आया। आज भी पानी नहीं आया, परसों भी पानी नहीं आया था। आज सिर्फ 5 मिनट आता है बस नाम का। बाकी जिनके घर में मेरे ख्याल 200 प्रोडक्शन जो है ना इलीगल लगा हुआ है, हमने RTI IPH से ली हुई है कि इनके नलके किसने लगाए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने ना लगवाए हैं ना हमने बिल दिया है। तो 200 नलका 150-250 होगा, पॉलिटिशियन ने लगाया है या उन्होंने जब महकमे से मिल मिला के लगाया है। मुफ्त पानी पी रहे हैं, सरकारी जमीन रोकी है और मतलब टैक्स नहीं दे रहे हैं कमेटी को और बिजली को बिल नहीं दे रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और दे आर ऑल बिजनेसमैन एंड एम्प्लॉयज एंड रिटायरी पर्सन, कोई गरीब नहीं है। वो उनके नलके जो है बंद किए जाएं या उनसे पिछली जुर्माना देकर पानी के मतलब वो कनेक्शन उनके डिसकनेक्ट किए जाएं। पानी की समस्या तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, और ये 2-3 महीने में तो इतनी बुरी हालत है कि एक दिन पानी आता है 2 दिन पानी नहीं आता। और जब पता करो तो ना तो कोई वहाँ बोलता है, ना कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें पानी आना है, आज नहीं आना है, या हम कल पानी नहीं देंगे। और गर्मियों के दिन है, जब पानी के जब पानी है उसका भी कोई टाइम नहीं है, जब जी चाहता है ये छोड़ देते हैं, जब जी चाहता है बंद कर देते हैं। और गर्मियों में तो इतनी दिक्कत है, यहाँ तो सिर्फ पानी के एक नल के ऊपर ही तो सारा दारोमदार है पूरे शहर का, क्योंकि और तो कोई सप्लाई सोर्स है नहीं। लेकिन इसका भी IPH के वालों के इतना बुरा हाल है कि किसी से भी पूछो तो सही जवाब तो देता नहीं कि पानी की क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है। कभी कहते हैं पाइपें टूटी हुई हैं, अगर पाइपें टूटी हुई हैं तो IPH का काम है ये ठीक करवाना, और पब्लिक का काम थोड़ी है। पब्लिक तो जो बिल आता है वो पब्लिक दे रही है, हर एक साल के बाद 10% ये बिल बढ़ा देते हैं, लेकिन पानी की समस्या कोई हल होती नहीं। पानी का कोई है नहीं तरीका, ना कोई छोड़ने का तरीका है, ना इनको बंद करने का है, ना कोई पूछता है, ना कोई बात है।
और हम तो यही चाहते हैं कि पानी जो पानी की सप्लाई है वो सुचारू रूप से चले, पानी हर आदमी को मिले, पानी की समस्या जो हल होनी चाहिए। सिंचाई विभाग के एसडीओ देवेंद्र राणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो हमारी चक्की लाइन है वो पुरानी हो चुकी है और पाइप बार बार फट जाती है जिससे पानी की समस्या आती है। जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है ताकि जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सके। आज पाइप को ठीक किया जाएगा और कल से पानी को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जो हमारी चक्की स्कीम है नूरपुर टाउन के लिए, जो हमारी कराइजी मेन है, ग्रेविटी लाइन है, जो पुरानी लाइन बहुत हो गई है, इसकी वजह से वो बार बार फट जाती है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जल्द जल्द समाधान कर रहे हैं, मांग काली भी हमारे वर्कर गए नीचे काम कर रहे हैं, तो आज हमारा हमारी पूरी रेस्टोरेशन हो जाएगी, पाइप बेल्डिंग कर देंगे हम, कल सप्लाई सुचारू से ठीक बड़ी सप्लाई हो जाएगी हमारी लोकडाउन के लिए।